नमस्कार, आप सभी का बीएचयू स्टडी कैपिटल हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रवेश परीक्षा 2021 को लेकर बीएचयू, जेएनयू, डीयू, एयू, जेएमआई जैसे विश्वविद्यालयों के फॉर्म भरने वाले सभी छात्र लगातार आप सब क्वेरी कर रहे हैं कि सर, बीएचयू का, जेएनयू का, डीयू का, एयू का, जेएमआई का फॉर्म कब आएगा और प्रवेश परीक्षा कब होगी। तो इसको लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए आ रही है कि कल यानी 18 मई को शिक्षा मंत्री और इन सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर यानी आपके कुलपतियों के बीच में बैठक होने वाली है। पूरी खबर क्या है मैं आपको डिटेल करता हूं, पूरी खबर आपको समराइज करके मैं समझाता हूं कि इस खबर का मतलब क्या है। लेकिन उससे पहले जो हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें लगातार अपडेट्स के लिए, यानी आपको लगातार यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट, सूचनाएं और जानकारियां समय पर और सही जानकारियां मिलती रहेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कल रमेश पोखरियाल निशंक जी जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं और इसके साथ साथ जितने वाइस चांसलर हैं, इन सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति और शिक्षा मंत्री के बीच में कल बैठक होने वाली है। बैठक कल यानी 18 मई को होने वाली है और आपकी स्क्रीन पर जैसा कि शो कर रहा है कि जो बैठक का मेन पॉइंट होगा वो होगा ऑनलाइन एजुकेशन, यानी आपका जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है उसको लेकर के चर्चा होगी, एग्जाम्स को लेकर के चर्चा होगी यानी सेमेस्टर एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम दोनों को लेकर के चर्चा होगी, और उसके बाद सबसे मेन पॉइंट आपका एनईपी 2020 को लेकर के भी चर्चा होगी, यानी जो नई शिक्षा नीति हमारी इस देश में लागू हो चुकी है वो किस प्रकार से लागू की जाएगी, चरणबद्ध तरीके से किस प्रकार से लागू की जाएगी, जिसमें CU CET जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के लगातार एक प्रकार से बाधा बना हुआ है कि CU CET होगा कि सारे जो विश्वविद्यालय उनका एग्जाम अलग अलग होगा, इसको लेकर के लगातार आप सभी परेशान है। तो इसको लेकर के भी कल के बैठक में चर्चा होने वाली है, यानी कल की बैठक बहुत ही अहम होने वाली है। जितना आप सभी इंतजार कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म को लेकर के, एंट्रेंस एग्जाम डेट को लेकर के और बहुत सारी क्वेरीज इस समय स्टूडेंट्स के मन में बनी हुई है, बहुत सारी कंफ्यूजन बनी हुई है, तो जितनी क्वेरीज आप सभी की आ रही थी उसको लेकर के जितने वाइस चांसलर हैं और रमेश पोखरियाल निशंक जी शिक्षा मंत्री हैं, इनके बीच में बैठक होने वाली है और कल की बैठक के बाद कुछ ना कुछ सकारात्मक नतीजा जरूर आएगा, चाहे वो CU CET हो, NEP 2020 हो, हमारे एग्जाम्स हो, उसके बाद हमारे ऑनलाइन एजुकेशन हो, इसको लेकर के जो कल चर्चा होगी उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि कल एक सकारात्मक नतीजा कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। लेकिन कल की बैठक का हमें करना होगा इंतजार और कल की बैठक के बाद नतीजा क्या आता है, परिणाम क्या आता है, कल की बैठक का पूरा समरी क्या होती है, वो सारी चीजें आपको मैं इस चैनल के माध्यम से अपडेट करूंगा। सारी चीजें जैसे ही वो बैठक समाप्त होगी, जैसे ही हमारे पास खबर आएगी, पूरी डिटेल मैं करूंगा, आपको समझाऊंगा पूरी खबर को। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, कल की अपडेट का आप इंतजार करते रहिए। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है उस पर मैसेज करके अपने कोर्स का नाम, अपना नाम बता सकते हैं। फिलहाल वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।